तो गाइस यहाँ पर Amazon Prime India पर काफी ज्यादा लोग हैं, वो भी Prime यूजर्स, जो कि अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो गाइस आपने देखा होगा कि Netflix के जो यूजर्स हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं और इसी कारण Netflix का शेयर प्राइस भी 70% से ज्यादा गिर चुका है। ऐसे में यहाँ पर Amazon Prime Video के अगेंस्ट भी काफी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो आगे से कभी Amazon Prime की मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवाएंगे। और उसका कारण यह है कि अब Amazon कोई भी नई मूवी पैसे लेकर दिखा रहा है रेंटल्स के नाम पर। यानी अभी KGF 2 आई तो उसे अगर आपको देखना है तो 199 रुपीज देने होंगे अगर आप प्राइम मेंबर है तो भी। और इसके बाद जब रनवे 34 आई तो उसके भी आपको 199 रुपीज देने होंगे। तो ऐसे में दोस्तों जब मूवी के पैसे ही देने हैं वो भी इतने, तो आखिर क्यों ही लोग Amazon Prime की मेंबरशिप रिन्यू करवाएंगे? और अब क्योंकि लोग डाउनलोड करने के तामझाम से बचने के लिए ही मेंबरशिप लेते हैं, तो अब वही लोग OTT छोड़कर फिर से इल्लीगल डाउनलोडिंग की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। और ऐसे में ये स्ट्रेटेजी इंडिया में तो Amazon Prime पर बैकफायर कर सकती है काफी हद तक। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या आप मूवी को रेंट करके देखोगे या फिर उतने ही पैसे में आप थिएटर में एंजॉय करना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बॉलीवुड टॉक को।